जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। प्लान्स बनाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बट स्टिल यार फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंडशिप एक ऐसा प्यार है जो सबसे शेयर कर सकते हैं हम। हाँ यार ऐसा ऐसा हो गया, तो घर में भी अगर झूठ बोल के बाहर निकले तो उस चीज़ के लिए वो संभाल। जब लाइफ में कोई नहीं रहता तो फ्रेंड्स ही रहते हैं, हर कदम में दोस्त की जरूरत पड़ती है। वो लोग इतना हंसा देते हैं कि उसके बाद हम प्रॉब्लम्स ही भूल जाते हैं। फ्रेंड्स हमेशा मुश्किल में साथ देते हैं। हेलो गाइस, दिस इज मेटल क्वीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज फ्रेंडशिप डे है, हम करने वाले क्वेश्चन आंसर आज कि लोग क्या सोचते हैं फ्रेंडशिप के बारे में और फ्रेंडशिप क्या है लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप इज लाइक सपोर्ट एंड इन दिस पेंडेमिक इट्स अ बिग सपोर्ट टू अस। ओके, सो या एंड या आई कैन से इट्स अ सपोर्ट टू अस। ओके, आप फ्रेंडशिप के लिए कोई 5 पॉइंट्स बोलिए। 5 पॉइंट्स, फ्रेंड्स आर दोस पीपल लाइक हु कैन वी कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमें कोई ऐसे हिचक नहीं होती एंड खुशी में बुरी में दोनों में साथ रहते हैं फ्रेंड्स। एंड कहीं भी जानो कभी भी जानो, जस्ट गिव अ कॉल टू देम एंड दे आर हियर, अरे चल यार हम भी चलते हैं। प्लान्स बनाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बट स्टिल यार फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं एंड सबकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। आप बोलिए फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी। यार मेरी तो बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ है, तो मेरा तो लक्की डे है आज, लाइक वो मेरे साथ है अभी। सो डेफिनेटली यस, ऐसा कुछ नहीं होता, पता है कि सब चीज़ बेस्ट रहती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उसके बाद जो फ्रेंड आपके साथ हमेशा रहता है ना वही काउंट होते हैं। एंड मेक श्योर कि तुम 100 के पीछे मत भागो, लाइक इसने मेरे को वो ज्ञान दिया है, बट एक भी हो तो वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, आप बोलिए फ्रेंडशिप पे कुछ। फ्रेंडशिप पे आई थिंक हर रिलेशन में फ्रेंडशिप होती है, तो फ्रेंडशिप कोई अलग से रिलेशन नहीं है, भले वो पेरेंट्स हो, लव रिलेशन या कोई भी रिलेशन, तो उसमें सबसे बेसिक जो रिलेशनशिप होती है वो फ्रेंडशिप होती है। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। दो चीज़ों के बीच में चूज़ करना है, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, आप क्या चूज़ करेंगे? अगर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप नहीं है तो कोई मतलब नहीं उस रिलेशनशिप का। नहीं so, एक तरफ आपकी बेस्ट फ्रेंड है, एक तरफ आपका बॉयफ्रेंड है, क्या चूज़ करेंगे? ऐसा रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। यार यार ये तो गलत बात हो गई यार, ऐसे कैसे चूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली फ्रेंडशिप। ओके, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप चूज करना पड़ेगा तो मैं नहीं कर सकती, सॉरी, तो मेरा कोई आंसर नहीं है। ओके, आपका? नो आंसर, सब्सक्राइब टू मेटल क्वीन, लाइक शेयर कमेंट एंड बस फेमस कर दो। अगर मुसीबत के टाइम पे फ्रेंड्स साथ देने चाहिए। हाँ ये तो है, और मतलब कि कुछ भी हो फ्रेंड्स अलग ही लगते हैं फैमिली वालों से। कुछ से कुछ बताना हो, बातें शेयर करनी हो, उस पर दोस्ती की कुछ अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंडशिप एक ऐसा प्यार है जो सबसे शेयर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एग्जैक्टली। और इनसिक्योरिटी भी होती है कभी कभी फ्रेंडशिप में, बट अगर दोस्त एकदम अच्छे हो हमारे तो फिर सब कुछ अच्छा है। फिर मुझे तो बहुत सारी अच्छी लगती है, लेकिन उनमें से कि उनका बेफिक्र हो के हमारे साथ होना। हाँ। और चाहे छुप के घूमना हो या कोई हेल्प करनी हो, और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमें अनजानों से जोड़ता है। हमारे लाइफ के लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। हाँ। और फ्रेंडशिप ही हमें अच्छे दोस्त से मिलाती है और अपने फ्रेंड लोग से शेयर कर सकते हैं कोई भी बात। सब्सक्राइब टू मैटर क्वीन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताइए। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, जो मतलब किसी भी अलग, मतलब जैसे मम्मी पापा के साथ होता है या फिर भाई बहन के साथ होता है, वैसे उतना ही स्पेशल भी है, उतना ही अच्छा भी है। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडशिप ऐसा चीज़ है जो बातें घर वालों से शेयर नहीं कर सकते वो हम वहाँ शेयर कर सकते, और बहुत इजीली। ऐसा लगता भी नहीं, सोचना भी नहीं पड़ता कि हम बताएं कि नहीं बताएं, बस ऐसा है कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो बातें शेयर कर। हाँ, तो वो ऐसा है कि फट से बता दो,
कोई झिझक नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वो शेयर करने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आती कि कोई तो है जो अपने साथ अपने मतलब उस सिचुएशन में हमारे सपोर्ट कर रहा है। बस मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप सबसे मेन पॉइंट है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लव से भी ज़्यादा रिलेशन मतलब ऐसा होता है ना कि उसके हर एक पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा वैसा मतलब बहुत नॉर्मली होता है। घर में भी अगर झूठ बोल के बाहर निकले तो उस चीज़ के लिए वो संभाल, हाँ सपोर्टिंग है बहुत ज़्यादा, और समझते भी हैं लव से ज़्यादा, वो समझते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है। कोई मैसेज देनी है लोगों को, कभी भी अगर आप रिलेशन में आ रहे हो किसी के साथ, हाँ। अगर वो बोले कि आप फ्रेंडशिप से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट दो तो नहीं, सबसे ज़्यादा फ्रेंड को इम्पोर्टेंट दो, क्योंकि फ्रेंडशिप आगे चल के मतलब जा सकती है आगे, बट रिलेशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो टूट भी सकता है, बट फ्रेंडशिप नहीं टूटती है। मैसेज है लोगों के लिए कि ऑफकोर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। रिलेशनशिप हो सकता है कि दो दिन के लिए या फिर चार दिन के लिए या फिर सब कितना भी स्ट्रांग हो, कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा कि टूट जाएगा, बट फ्रेंडशिप वो हमेशा साथ देती है। हाँ, रिलेशन भी छोड़ के चल जाए, आप अलोन लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ज़्यादा। सब्सक्राइब द मेटल क्वीन, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप फ्रेंडशिप के लिए कुछ बोलिए। फ्रेंडशिप मीन्स इट इज अ वंडरफुल डे एंड वी शेयर ऑल द थिंग्स टू आवर फ्रेंड्स एंड केयरिंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, दैट्स ऑल। मेरे फ्रेंड्स मतलब बस मतलब सब कुछ। मेरे को ऐसे लगता है कि जब लाइफ में कोई नहीं रहता तो फ्रेंड्स ही रहते हैं जो काम आते हैं, जब आपका ब्रेकअप होता है या कुछ भी होता है तो फ्रेंड्स ही रहते हैं जो साथ देते हैं। कोई एडवाइस दीजिए लड़कों के लिए, जो बहुत सारे लड़के लड़कियों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं बट उनको तरीका नहीं पता है कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे ऐसे लड़कों के लिए कुछ एडवाइस? फ्रेंडशिप में कोई तरीका नहीं देखा जाता है, बस फ्रेंड्स बन जाते हैं, और फ्रेंड्स में तरीके देखे जाए तो शायद मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप ना हो। अरे ना, मैं लड़के को केयर चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होता है, इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी, ये सब चीज़ चाहिए होता है जो लड़कों को देना चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा मतलब पूछने का ये मतलब है कि जैसे लड़के होते हैं लड़कियों से बात शुरू करना चाहते हैं पर वो कैसे करें उनको समझ नहीं आता है, तो चीप हरकतें मत करें। चीप हरकतें मतलब फ्लर्ट ना करें, बस पहले थोड़ा थोड़ा फ्रेंड बात करना शुरू करें, उसके बाद बात आगे बढ़ाए, शुरू से ही एकदम केयर करना चालू करें सुबह से, क्योंकि लड़कियों को मेरे ख्याल से केयरिंग बहुत पसंद होता है। फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए। हम लोग स्कूल फ्रेंड से फ्रेंडशिप आज तक, ओके, और आज तक चल रहा है। हम लोग अभी कॉलेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है, सब एक ही जगह रहते हैं क्या? हाँ, आस पास में ही रहते हैं हम लोग, और बहुत क्लोज फ्रेंड है आज तक। कभी कुछ नहीं, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज के बाद भी, हर चीज फ्रेंडशिप के लिए। बिना दोस्त के कुछ नहीं है लाइफ में, तो सही बात है। हर कदम में दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आप न्यू जॉब के लिए जा रहे हो या कोई भी चीज़ हो, इन्जॉय के लिए या सब के लिए फ्रेंडशिप है, दोस्ती बहुत अलग है। प्यार छूट जाता है लेकिन दोस्ती नहीं छूटती, नहीं छूटती, वो हमेशा साथ रहती है। आपको दो चीज़ों के बीच में चूज करना हो, बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, तो क्या चूज करेंगे? फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ही चूज करेंगे हम। सब्सक्राइब टू मेटल बीम। फ्रेंडशिप आपके लिए क्या है? मतलब एक तरह का वो है, होप है, सपोर्ट है। हाँ, और जैसे कि कभी कभी हम किसी को बता नहीं पाते या किसी के ऊपर लैंड नहीं हो पाते, तो फ्रेंड्स के ऊपर ही हर चीज़, हर प्रॉब्लम उनको वो बोल पाते हैं, और उनके उनको सब चीज़ें बोल सकते हैं। इवन कई बार जब हमें प्रॉब्लम्स होती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई सलूशन नहीं है, तो वो लोग इतना हंसा देते हैं कि हाँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स ही भूल जाते हैं अपनी। एग्जैक्टली, फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए। सीक्रेट शेयर कर सकते हैं हम फ्रेंड्स के साथ, जैसे हम लोग जो किसी को नहीं बता सकते वो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, और लाइफ टाइम बहुत सपोर्ट मिलता है उन लोग से। अभी तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो अभी 10 ईयर्स हो गए हैं, okay. पता नहीं और कितना चलेगा, ऑफ कोर्स बहुत चलना चाहिए, चलना चाहिए।
ओके, आप बताइए फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए। सिर्फ ये मेनली अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग की बात होती है कि आपके फ्रेंड्स आपके प्रति कितने अच्छे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप की फ्रेंडशिप्स होती हैं एंड बेस्ट फ्रेंड्स आर वेरी केयरिंग। हाँ, तो इनके बारे में एक दो गुड पॉइंट्स बोल दो जो इनकी बातें अच्छी हैं। ये स्पेशली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, लाइक मैं इसको कोई भी सीक्रेट बताती हूँ तो ऐसा नहीं कि दूसरों को बता दे या ऐसा कुछ बुरा करे, वैसी थिंकिंग नहीं है इसकी, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। ओके, आप बोलिए इनके बारे में कुछ अच्छी बात आपकी बेस्ट फ्रेंड। अच्छी मतलब सब अच्छी है, अब मैं एक एक तो नहीं बता सकती। सपोर्टिव है बहुत, मतलब हम स्कूल में अभी 9th ही में है पर भी बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, आप बोलिए आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है। मेरी है पर बहुत सब लोग अलग अलग है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट। ओके, तो मतलब ऐसे बातें नहीं होती पर बातें जब होती होंगी तो सब बहुत बहुत मतलब बहुत याद आती है उन लोगों की, मतलब बचपन में रहे अब 10 साल बाद मैंने बात की तो वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और अभी रिलेटिवली जब भी मैं उनको कुछ बोलती हूँ तो वो लोग हमेशा मतलब मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और मैं जब भी उन लोगों से जैसे कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो लोग मेरे से बात करते हैं बहुत ज़्यादा और अच्छे से बात करते हैं, काम कर देते हैं मेरे को। और थोड़ा मेरे को मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम्स आती है डिसीजन लेने में थोड़ा वो होता है तो वो लोग मेरी हेल्प करते हैं, बहुत बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस। ओके, तो फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब टू मेटल क्वीन। फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए आप। फ्रेंड मतलब मेरे तो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड है कि मेरे को बाकी लोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी किसी अदर फ्रेंड्स के बारे में तो सोचती नहीं हूँ, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड है बस। क्या फ्रेंडशिप के बारे में तो यही है, कुछ नहीं बस ये कि फ्रेंड्स हमेशा मुश्किल में साथ देते हैं, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो किसी की नहीं याद आती, डायरेक्ट फ्रेंड की याद आती है कभी भी हम मुश्किल पे पड़ते हैं तो बस इतने ही तो वही याद आते हैं। हाँ, और कांड करने के टाइम पे भी फ्रेंड याद आते हैं। हाँ, आप बोलिए कुछ फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप मतलब स्माइल, सबके चेहरे में स्माइल। दोस्त मतलब अच्छे फ्रेंड होते हैं और जो सुख में दुख में सब में काम आए वो ट्रू फ्रेंड होते हैं। तो सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सब्सक्राइब टू मेटल क्वीन। फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए। बस इतना बोलूँगी, तुम जैसे चुतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके, आपके किसी फ्रेंड को मैसेज देना है कोई? यस, नाहिद लव यू बेबी, टेक केयर ऑलवेज। हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड, यू नो ना वी आर सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर बेब। मेरी फ्रेंड मेरी लाइफ है, मैं अपने फ्रेंड के बिना कुछ भी नहीं हूँ। फ्रेंडशिप केयर एंड लविंग एंड फुल एंजॉय। फ्रेंडशिप कैरी एंड फुल एंजॉय, लवली। वीडियो देख लिया है तो आप भी कमेंट करके बताओ यार, आप फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हो? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको लोगों की थिंकिंग कैसी लगी, लोगों को ओपिनियन कैसा लगा और आपका ओपिनियन क्या है, मुझे वो भी बताओ। शेयर करो, लाइक करो वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को और ऑफकोर्स यार सब्सक्राइब तो करो, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।